हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं लेके आया हूं काली माँ के हीलिंग एनर्जी मैसेजेस। ये इवनिंग गाइडेंस आप मान सकते हो, खास करके उन लोगों के लिए जो हमेशा काली माँ के साथ कनेक्टेड रहते हैं, जिसको हमेशा एक हीलिंग गाइडेंस चाहिए। सो येस, यू कैन वॉच दिस वीडियो एंड देन प्रे, इवन यू कैन वॉच दिस वीडियो एंड फोकस ऑन योर वर्क एंड स्टडी। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं, और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक सूचना कि हाल ही में मैं इंस्टाग्राम पे वीडियो अपलोड करना स्टार्ट किया हूँ, वो भी इंग्लिश पे। सो इफ़ यू वांट, सो यू कैन आल्सो फॉलो मी महाकाली टैरोट बाय अनिर्बान मुखर्जी विद अ ब्लू टिक प्रोफाइल, उस पर आप फॉलो कर सकते हो। एंड एट द सेम टाइम मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ, सो प्लीज़ स्कैमर से बचिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे फोटोज यूज़ करते हुए आपको मैसेज कर सकते, व्हाट्सअप कर सकते, पैसा मांग सकते, एकदम इन लोगों को अनब्लॉक करके ब्लॉक करके एकदम रिपोर्ट कर दीजिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेता हूँ कि माँ काली के हीलिंग गाइडेंस आपको क्या माँ बोल रहे हैं। इवनिंग गाइडेंस की तरह से आप ले सकते हो माँ काली हीलिंग गाइडेंस। ओके, क्या है? ओंकार लवदनं घोरं मुक्तकेशं चतुर्भुजं कालिकं दक्षिणं दिग्भं मुन्नमाल विभूषितं सदाशिवं शिरोकर्कभामर्दोकर्णं भुजमभयङ्करदं चैव दक्षिणार्धपाणिकं महामेघप्रभं समं तथा चैव दिगम्बरीं कण्ठावसक्तमण्डलीकलद्रुद्रचर्चितं कर्णावतं सततेन दशभुजुगभयानकं खरदष्टं कल्लोषं कृपीर्णदिपदनं सवनं करसङ्गातकेतुकच्छशमुखं शुक्लदायकलकृतारविश्वेतनं गुरुभयं मर्दं ससनवासनं बालकमण्डलाकरलोचन त्रैमृतं दन्तुरं दक्षिणोव्यापिलं मानकज्यं स्वरूपमहादेवहृदयपरिसंस्थां शिवाभिगुरुरावाभिषदधिकुसमनितं महाकालन चासम विप्रतातुरं सूक्रप्रसन्न वदनं स्वीरणं सर्वं एवं संचितत् कलिधमकमर्तमकदं। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। Bless be for the spiritual benefit of all being, we are invoking Maa Kali. Sab log khush rahe, sab log achhe se rahe. Let's see Maa ko kya evening guidance is waqt de rahe hai Maa. Okay, माँ मातंगी, वाओ दैट इज़ सो स्वीट। यू नो मातंगी माँ आपको यही चीज़ बोल रहे हैं कि जीवन में हमेशा अपना सुकून के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना होगा आपको। यू नो अभी शायद हो सकता है आपको रिजेक्टेड महसूस हो सकता है, अभी आपको लग सकता है कि लाइफ में कुछ भी नहीं किए हो, बहुत लोग आगे बढ़ गए हैं, या फिर किसी के बारे में सोच के आपको बहुत बुरा फील हो रहा है। हो सकता है आपका दोस्त बहुत ख़राब परफॉर्म किए हैं, या फिर दोस्त का कोई नुकसान हुआ है, या फिर मैं देख सकता हूँ कि आपका दिल बहुत दुखी है, यू नो लोगों के खराब परिस्थिति के बारे में सोच के, या फिर खुद के खराब परिस्थिति के बारे में सोच के आप बहुत दुखी हो रहे हो। सो यहाँ पे मातंगी माँ आपको यही चीज़ बोल रहे हैं कि कोई भी लोग अकेले नहीं है, इंक्लूडिंग आप भी अकेले नहीं हो। माँ सबको प्रोटेक्ट करते हैं, माँ सबके नीड्स को अलग अलग तरीके से देखते हैं, और माँ आपको यही बोल रहे हैं कि माँ के सामने अगर आप सिंपली आएंगे, सरेंडर करेंगे, अपने ब्रोकन सेल्फ को भेजेंगे, माँ फिक्स कर देंगे। खास करके माँ आपको क्रिएटिव होने के लिए बोल रहे हैं। क्रिएटिव मतलब अपने बात, यानी कि जो शब्द हम यूज़ करते हैं उसके ऊपर फोकस करने के लिए बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं मातंगी माँ को हम लोग तांत्रिक सरस्वती भी बोल रहे हैं। सो अगर आप हीलिंग वर्क कर रहे हो ना, तो ये इफेक्टिव वर्क यू नो आप सीख सकते हो। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, तो अगर आप चाहते हो कि आप ये हीलिंग वर्क करेंगे, स्पेल कास्टिंग सीखेंगे, या फिर स्पेल करेंगे फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर पीपल, किसी को हार्म करने के लिए नहीं, यस आप सीख सकते हो। सेकेंडली, अगर आप स्टूडेंट हो, और अगर आप कोई भी ऑफिस में काम कर रहे हो, या फिर आपके घर में बच्चे हैं, या फिर अपने बच्चे के लिए आप ये वीडियो देख रहे हो, सो यहाँ पे माँ आपको एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि अक्सर आप दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा सोचते हो, परेशान भी होते हो, कभी कभार आपको सब चीज़ माँ के हाथ पे छोड़ देनी चाहिए। सो माँ आपके साथ है, आप भूल क्यों जाते हो हमेशा। सो सेकेंडली, माँ आपको और भी एक चीज़ बोल रहे हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि लोग हमेशा अपने बारे में सोच रहे, आपके बारे में नहीं सोच रहे, चिंता मत कीजिए, ये लोग स्वार्थी है, बट माँ आपके बारे में सोचते हैं, माँ आपके लिए कौन सी चीज़ बेनिफिट होगा वो आपको दे देंगे। फिलहाल माँ आपको बोल रही है कि कोई पर्सन आपको सॉरी बोल सकते हैं, या फिर अगर आपको लगता है कि आप किसी पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा ही कुछ बोल रहे हो, तो प्लीज़ सॉरी बोल दीजिएगा। सेकेंडली, स्टूडेंट्स हो और आप सोच रहे हो कि यू नो कैसे आप और थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव आप हो सकते हो, तो यहाँ पे बात आ जाते हैं रेगुलर प्रेयर्स के, क्योंकि माँ देख रहे हैं कि आपका मन भटक रहा था बाहर के तरफ, सो थोड़ा सा माँ आपको अंदर बुला रहे हैं। लाइक आप थोड़ा सा आंखें बंद करके मंत्र चैंटिंग कीजिए, जितना मंत्र चैंट करेंगे उतना ज़्यादा ऊर्जा आपको मिलेंगे। एंड साथ ही साथ मातंगी माँ और एक चीज़ के बारे में बोल रहे हैं, वो है आकर्षण। यू नो अगर आप सिंगल हो और आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और आप ये वीडियो को देख रहे हो, तो माँ आपको यही बोल रहे कि
आपके जो फिजिकल ब्यूटी है वो काफी है, बट आपको अपना अंदर से आपको खुश रखना होगा, तभी जाके अंदर का ब्यूटी निखर के आएंगे। सो कहीं ना कहीं यू आर नेग्लेक्टिंग योर सेल्फ। ओके, सो आप थोड़ा सा खुद के ऊपर टाइम दीजिए। खुद के ऊपर टाइम मतलब मेकअप के ऊपर नहीं, खुद के ऊपर टाइम देना, फोकस करना मतलब कहीं पे घूमने के लिए नहीं, खुद के ऊपर मतलब कुछ दिन खुद के लिए रखना होगा, बैठना होगा, जो मन चाहे करना होगा, सिर्फ मूवी देखना नहीं, सिर्फ मोबाइल नहीं, बुक्स नहीं, सिर्फ खुद के साथ बैठ के रहना होगा, चलना होगा। एंड तब जाके जो जो चीज़ आपको नोटिस होगा कि क्या चीज़ आप नहीं देख रहे हो खुद के बारे में, या फिर कौन सी चीज़ आप हमेशा यू नो गिल्ट कैरी कर रहे हो, ये सब चीज़ को थोड़ा सा नोट करके रखिए। एंड माँ से मदद कीजिए कि वो सब चीज़ से आप कैसे बाहर आएंगे। कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्रिएटिव हो जाइए, जर्नलिंग कीजिए, कलरिंग कर सकते हो अपने विशेस को, विजन बोर्ड बना सकते हो, कैंडल जला सकते हो, गाना डेफिनेटली, कोई भी गाना अगर आप खुद कंपोज कर रहे हो डेफिनेटली गुड, कोई भी पोएट्री आप लिख सकते हो, कोई भी गाना आप गा सकते हो। क्रिएटिव यानी कि आप खुद के तरीके से माँ को पूजा दे सकते हो, लिटरली वो ही चीज़ माँ आपको बोल रहे कि ना ही आपको फास्टिंग करनी है, ना ही आपको दूसरों को फॉलो करके कुछ भेंट चढ़ानी है, सिर्फ क्रिएटिव हो जाइए। मातंगी माँ आपसे अपना क्रिएटिविटी मांग रहे हैं। और मातंगी माँ किन लोगों की देवी है? जो लोग ना नर है ना नारी है, जो लोग ना ब्राह्मण है ना काइंड ऑफ ऊंचे कास्ट के है, सो अक्सर इसको हम लोग मातंगी माँ को हम लोग बोलते हैं उच्छिष्ट चंडालिनी। सो ये यू नो जो हमारे झूठे खाना है वो भी माँ खा लेते, ये मतलब वो नहीं है कि माँ खा लेते, इसका मतलब है कि भले हम लोग रिजेक्टेड हुए, सब जगह से फेलियर मिला है, तब भी माँ हम लोगों को एक बहुत अच्छे पर्सन में बदल सकते हैं। सो कहीं ना कहीं सेकेंड चांस आ रहे हैं आपके लिए। अगर आप बहुत ज़्यादा नेग्लेक्टेड फील कर रहे हो, ऐसा सोच रहे हो कि लाइफ बहुत ज़्यादा बीत गए, अब कुछ नहीं कर सकता है आप, और अब कुछ नहीं हो सकता है आपका, तो यहाँ पे माँ को बोल रहे सब कुछ पॉसिबल है, अभी आप कुछ भी नहीं देखे हो। ओके, सो सेकेंड हाफ आ रहे हैं आपके लिए, सेकेंड फेज में अगर आप लाइफ में हो, या फिर सेकेंड मैरिज के लिए आप यू नो प्रिपेयर हो रहे हो, या फिर कोई सेकेंड अटेम्प्ट देने के लिए सोच रहे हो, तो निश्चित हो जाइए क्योंकि बहुत ही जल्दी आपको एक गुड न्यूज़ मिल जाएगी। कोई आपको बात नहीं कर रहे, कोई आपसे यू नो कॉन्टैक्ट में हो, तो फिलहाल आपके जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से माँ मातंगी इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस को फिक्स कर रहे हैं। कभी कभार चुप रहना बेटर है, क्योंकि आपका वैल्यू दूसरे पर्सन को समझना चाहिए। आपके मन बार बार आपको बोलेंगे कि नहीं, शायद एक बार मैसेज कर लूँ और बोल दूँ कि हाँ आप मिस कर रहे हो दूसरे पर्सन को, बट इससे फ़ायदा कुछ नहीं होगा, नुकसान ही हो सकता है। सो जिसको आना है उसको आने दो, अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब साफ है कि वो आपको नहीं प्यार करते। बट मातंगी माँ एक चीज़ इंश्योर कर रहे हैं कि भले वो करे या कोई और, बट आपको सच्चा प्यार मिलेगा, भले एक रिजेक्शंस के बाद ही सही, बट सच्चा प्यार मिलेगा। अगर मान लीजिए आप एक यू नो समाज में थोड़ा सा बैक बेंचर्स में से हो, यानी कि मान लीजिए आप एक LGBT कम्युनिटी से हो, मान लीजिए आप एक वीडियो हो, मान लीजिए आप एक यू नो कॉर्नर्ड इंसान हो, जहाँ पे जिसको कोई नहीं है इस दुनिया में, या फिर जो बहुत अकेले महसूस कर रहे हो इस टाइम पे, तो भी मैं आपको बोल रही हूँ कि आप बहुत पावरफुल हो जाओगे, क्योंकि भले आपको समाज से उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है, भले लोग आपको हेट किए हैं, भले लोग आपको एक्सेप्ट नहीं किए हैं, बट माँ ने आपको एक्सेप्ट किए हैं। माँ को पता है कि आपके अंदर क्या ब्यूटी है, जहाँ पे लोग ब्यूटी को नहीं देख पाते वहाँ पे माँ देख पाते, तो कहीं ना कहीं माँ के इनर ब्यूटी को देख रहे हैं, माँ बहुत खुश है। और जिस तरीके से आप लोगों को मदद कर रहे हो ये देख के भी माँ खुश हो रहे हैं। खास करके मैं आपको बोल रही हूँ, जब आप खुद बहुत परेशान रहते हो फिर भी दूसरों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हो, फिर भी दूसरों के हाथ बटाते हो, दूसरों को आगे जाने के लिए बोलते हो, वो चीज़ माँ काबिल तारीफ कर रहे हैं आपको, लिटरली। लेट्स सी और क्या मैसेजेस माँ आपको देना चाहते हैं इस पर। वाओ, कृष्णाओ विद श्रीबाला, ये कंप्लीट मैसेज हो गया। कृष्णाओ एंड श्रीबाला माँ का, श्रीबाला सुंदरी माँ का एक ही मैसेज है कि लाइफ में हर चीज़ परफेक्ट नहीं हो जाते हैं, और हर टाइम पे आपके जैसे आपके नीड के अकॉर्डिंग, ज़रूरत के अकॉर्डिंग सिचुएशंस नहीं होंगे। सो आप एक ऐसे स्पिरिचुअल जर्नी में हो जहाँ पे पुराने हैबिट्स को आप लेट गो कर रहे हो, कहीं ना कहीं आज इस वक्त आप ये रीडिंग को देख रहे हो क्योंकि आपके एनर्जी इस रीडिंग को अट्रैक्ट किए हैं। ओके, तो आप एक ट्रांसफॉर्म पर्सन में बदल जा रहे हो। लुक एट योर ट्रांसफॉर्मेशंस।
पहले आप डिफरेंट पर्सन थे, अभी आप डिफरेंट पर्सन में बदल जा रहे हो. लुक एट योर स्ट्रेंथ, चाहे आप लड़की हो लड़के हो, लुक एट योर स्ट्रेंथ. आप एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सन बन रहे हो. अपने फैमिली के लिए आप काम करोगे, अपने फैमिली का नाम रोशन करोगे. जो भी प्लान अभी आप कर रहे थे, जो भी डर आपका था, वो डर खत्म हो जाएगा और प्लान सक्सेसफुल होगा. माँ आपको बोल रहे कि आप हो फायर, यू नो, आप चीज़ों को क्रिएट भी कर सकते हो और आप चीज़ों को नष्ट भी. तो जो आपके वैल्यू नहीं करेंगे, जो आपको रिस्पेक्ट नहीं देंगे, आई थिंक उसको भी रिस्पेक्ट नहीं मिलना चाहिए. सो कहीं ना कहीं आप अपने डर के बारे में नहीं सोचो, अपने भक्ति के बारे में सोचो. आप अपने लो कॉन्फिडेंस के बारे में नहीं सोचो, बल्कि आप जिस तरीके से यहाँ तक आए हो उस जर्नी के बारे में सोचो. माँ आपको यही चीज़ बोल रहे हैं कि लाइफ में बहुत कुछ चीज़ आप सीखेंगे, बहुत कुछ चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ेगा, बट बहुत कुछ चीज़ आपको मिलेगा भी. तो जो चीज़ आप छोड़े हो, उससे जो सीख मिला है, उसको चेरिश करिए. एंड आप प्रोडक्टिव रहिए. जितना पॉजिटिव सोचोगे, जितना प्रोडक्टिव सोचोगे, जितना कंस्ट्रक्टिव सोचोगे, उतना अच्छा आप प्रोग्रेस कर पाओगे. तो धीरे धीरे मैं देख सकता हूँ कि अगर आप बहुत ईल महसूस कर रहे, तबीयत बहुत ख़राब था, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा रिलीफ आपको मिल रहे हैं. सेकेंडली, यू नो, आप दूसरों से मत पूछो, खुद से पूछिए, खुद से पूछिए, बिकॉज यू आर योर बेस्ट फ्रेंड. कोई नहीं है आपके सिवाय आप खुद आपके दोस्त हो, कोई नहीं है आपके सिवाय आपके, कोई दोस्त नहीं है. सो कहीं ना कहीं इस टाइम पे आप खुद से पूछो कि क्या आप सही में जो पद चूज कर रहे हो, क्या वो सही है, या फिर आप सिंपली दूसरों को बीट करने के लिए कुछ चूज किए हो. कहीं ना कहीं आपके इनर फायर आपको बता देंगे, आपके स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस आपको बता देंगे कि आपको क्या करना चाहिए. सो अगर आपको लगता है कि थोड़ा बहुत बाहर के चीज़ों के ऊपर मन जा रहे हैं, या फिर आप अट्रैक्टेड हो रहे हो बार बार शादी, बार बार, यू नो, डिफरेंट किस्म के एनर्जी, ख़राब एनर्जी की तरफ अगर मन जा रहे हैं, या फिर बार बार पास्ट की तरफ आपका मन, यू नो, विचलित हो रहे हैं, या फिर अट्रैक्टेड हो रहे हैं पास्ट पार्टनर के तरफ, सो एक चीज़ साफ है, कुछ ब्रिजेस है, माने उस ब्रिजेस को ख़त्म किए, यू नो, क्योंकि वो ब्रिज अगर रहता तो वो नेगेटिविटी उस ब्रिज के थ्रू आपके पास चले आते. सो आप एक जंगल को इमेजिन कीजिए. जंगल पे आग लग जाता है और जल जाता है, और फिर से जो भी चीज़ जल जाता है, वहाँ से एक नया जंगल का शुरुआत होता है. सो ये जो फायर होता है, वो फायर एक क्रिएटिव फायर है. सो कालिमा भी एक क्रिएटिव एनर्जी ही है, बट उसका जो फॉर्म है वो डिस्ट्रक्टिव. सो भले ही आपके लाइफ में अभी बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं और आप डर रहे हो और आपको पता भी नहीं चल रहा कि क्यों ऐसा हो रहा है, रिजेक्शंस या फिर ब्रेकअप बोलो, डिवोर्स बोलो, या फिर टर्मोइल बोलो, ग्रोथ कम हो जाना बोलो, ये सब कुछ आपको सिखा रहे हैं कि आप कितना स्ट्रॉन्ग बन सकते हो इन द फ्यूचर. सो बड़े पिक्चर की ओर देखिए, छोटे छोटे लॉसेस के बारे में मत सोचिए. लास्ट, श्री बाला सुंदरी माँ, यू नो, कॉन्फिडेंस इज द की टू योर सक्सेस. इस वक्त आपको सिर्फ और सिर्फ अपना गट फीलिंग को सुननी है और आगे बढ़नी है. आप सब कुछ कर सकते हो. एंड श्री बाला माँ आपको यही बोल रहे हैं कि आप अंदर से बहुत ही प्योर हो. अगर आप ये सोच रहे हो कि आपका किसी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप हो गया, या फिर कोई आपके ऊपर कोई आरोप लगा दिया, या फिर दूसरों के सामने आप प्रूफ करते करते थक गए हो, या फिर बाई एनी चांस आप कहीं पे जाके फेल हुए हो, ओके, और रिजेक्शंस आप महसूस किए हो, और तब आपको ऐसा लग रहा है कि क्या आपको फिर से वो चीज़ करना चाहिए, क्या आप सेकेंड टाइम उस सेम चीज़ के लिए रेडी हो. ये लव हो सकता है, जॉब हो सकता है, कुकिंग भी हो सकता है, कि पिछले रात को आप कोई कुक किए तो वो ख़राब हुआ था और आज आप सोच रहे हो कि क्या आपको बनाना चाहिए. अपने रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सक्सेस एंड फेलियर से मत जज कीजिए. रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एक दिन की तरह होता है, रात की तरह होता है. एवरी डे वो रोल आपको करना होगा. कुछ कुछ दिन अच्छा होगा, कुछ कुछ दिन बुरा होगा, बट कंसिस्टेंसी वो बरकरार रखिए. एक चीज़ ध्यान से आप सुनिए कि आप बच्चे हो, तो अगर आप कुछ गलती करोगे तो माँ उस पर आपके सामने कुछ रेमेडीज लेके आएंगे एंड देन उस चीज़ को आपके लाइफ से हटा देंगे. बट जो चीज़ आपके लिए बना है, उस चीज़ माँ कभी आपके लाइफ से नहीं हटाएंगे. सो एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि माँ हमेशा आपके अच्छे दोस्त है, और आपके लिए जो चीज़ अच्छे है वो चीज़ हमेशा आपको प्रोवाइड माँ करेंगे. कभी भी कुछ चीज़ को आपके लाइफ से छीन नहीं लेंगे. सो ये विश्वास के साथ आप अगर एवरी
इवनिंग स्टार्ट करोगे तो आपके लिए नाइट भी बेटर हो जाएगा, आपके लिए कल भी बेटर हो जाएगा। सो आज मैनिफेस्ट करिए, कॉन्फिडेंट हो जाइए, क्योंकि आप जिस तरीके से सोच रहे हो वो एकदम सही है। अपने अंदर विश्वास रखिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए, आप कर सकते हो, यू आर गुड इनफ। ये माँ की तरफ से मैसेज है। इसी वक्त मैं इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ। आई होप आप लोगों को काली माँ की ये संदेश अच्छा लगा। सो आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा। जय माँ श्री बाला। मैं और एक वीडियो लेके आऊँगा रात के टाइम पे, तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और ज़रूरी नहीं कि आप काली माँ के भक्त हो, बट अगर आप किसी भी देवता या देवी को मान रहे हो, काली माँ एक डिवाइन फेमिनाइन ही सिर्फ नहीं, एक एनर्जी है, जिस एनर्जी आपको हमेशा मदद करेंगे आगे बढ़ने के लिए, डिस्ट्रैक्शंस को हटाने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट। जय माँ काली, जय माँ मातंगी, जय माँ श्री वाला, बाय बाय। इस वीडियो को शेयर कीजिए, हैशटैग दीजिए टैरोट अनिर्बन, एंड प्लीज 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 सब्सक्राइब माय चैनल। अगेन, स्कैमर से बचिए, मैं कभी भी आपको मैसेज नहीं करूँगा प्राइवेट रीडिंग के लिए।